इसको क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वो देख, ओ बेटा ये क्या कर रहा है, पास होया क्या, सो गया ये सो गया नहरा भाई, तूने बताया भी नहीं मेरे को। सरप्राइज देना था, ये देखो गाइस कैसे सो रहा है, देखो डॉन बन के सो रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नारायण पार्क व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी किचन से, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त आपको पता नाश्ता बनाने का टाइम होता है। तो गाइस आज नाश्ते में बन रहे हैं टोस्ट, आलू वाले, आलू प्याज वाले। तो ये देखो मेरी तैयारी हो चुकी है और बस नाश्ता बना रही हूँ मैं गाइस। तो गाइस ये रहे टोस्ट, टोस्ट का सामान पूरा रेडी है, ब्रेड में आलू का मसाला वगैरह लगा चुके हैं और यहाँ टोस्ट बन रहे हैं। ये पहला टोस्ट गया है इसके अंदर, ये देखो अभी सिम पे है गैस, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर टोस्ट बन रहे हैं और नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ और नायरा पार्थ और उसके पापा तीनों बैठे हैं अंदर, टीवी देख रहे हैं, शायद रामायण लगा रखी है, पता नहीं न्यूज लगा रखी है, कुछ तो लगा हुआ है। तो गाइज नाश्ता वाश्ता करके और फिर मिलते हैं आपसे और आज अपने काम पे चले जाएंगे। बच्चे एज यूजुअल मेरे पास रहेंगे, छुट्टियां हैं बच्चों की, एग्जाम्स का रिजल्ट भी आने वाला नायरा का 30 मार्च को, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि देखो क्या होता है, कैसे एग्जाम्स दिए हैं इसने गाइज। तो मिलते हैं गाइज आपको नाश्ता करने के बाद, फिर देखते हैं दिन में क्या होता है, आज पूरे दिन में जो भी होगा आपके साथ शेयर जरूर किया जाएगा गाइज। तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ और बहुत सारा प्यार देते रहिए गाइज हमें। तो गाइज आज जो चले गए अपने काम पे और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, टोस्ट बनाए थे जैसे सबको बताया था। तो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर, दोनों बच्चे बैठे थे अंदर, अब देखते हैं चल के गाइज। इसको क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वो देख, ओ बेटा ये क्या कर रहा है, पास होया क्या, सो गया ये सो गया नहरा भाई, तूने बताया भी नहीं मेरे को। सरप्राइज देना था, ये देखो गाइस कैसे सो रहा है, देखो डॉन बन के सो रहा है, ये देखो ये कब सोया, अपने आप सो गया खेलते खेलते, मैं क्या टीवी देख रही, पोएम देख रही हूँ अंदर। ये देखो गाइस कैसे सो रहा है पार्थ, ये देखो भाई बाप रे, इसका चश्मा हटाना है रहा, डॉन बना हुआ देख मेरा बेटा, ये देखो गाइस अपना चश्मा लगा के अपने आप सो गया, ये देखो, और इसने बताया भी नहीं मेरे को चंटो ने, प्रैंक कर रही थी और यहाँ पर ये टीवी देख रहे थे, ये देखो चश्मा तो हटा देती कम से कम ना रहा, तूने भी देखा चश्मा लगा हुआ इसके, देख मैंने कहा इसको क्या हो गया चश्मा लगा के सो रहा है, इसके कुछ डाल दे ना चादर वगैरह डाल, ठंडे अच्छा प्रैंक करना था तूने मेरे पे, बता। तो कैसे देखा अपने चश्मा का, चश्मा लगा कैसे हो रहा था बाहर, तेरी पीठ में दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है पीठ में, एक्टिंग देखो, एक्टिंग चल रही है, एग्जाम्स खत्म हो गए उसके बाद तो सुस्ती सुस्ती, नींद नींद है ना, अब रिजल्ट आएगा उस दिन थोड़ा अवेयर होंगे कि हाँ रिजल्ट आया है, नई ड्रेसेस नई बुक्स वगैरह लेनी है, नया सेट लेना पड़ेगा सारा, चादर छोड़ू भाई को देना है, किसने यूकेजी में बैठना है, अच्छा क्यों, तो फर्स्ट क्लास वाली मैम मारेगी थोड़ा, जब पढ़ोगे नहीं तब मारते हैं, आप पढ़ोगे नहीं फर्स्ट क्लास में आके, पढ़ने का शौक ही नहीं है, नहीं फर्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे नहीं आके, ड्राइंग करने का शौक है, ड्राइंग करने का, तो ड्राइंग उसमें भी तो होगी। तो गाइस ये देखो ये कैसे बच्चे हैं आजकल के, देखो नायरा की सोच देखो, बोलते फर्स्ट क्लास में मैम जो नई चेंज होगी वो मैम मुझे मारेगी, इससे मैं यूकेजी क्लास में बैठूंगी, बताओ इसको ये नहीं पता, अच्छी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो कोई मैडम नहीं मारती है नायरा, अच्छी पढ़ाई करोगे तो कौन सी मैम मारेगी, तो कमलेश मैम नहीं मारती, तो आप पढ़ाई करते हो इसलिए नहीं मारती ना मैम, जब आप फर्स्ट क्लास में अच्छी पढ़ाई करोगे तो मैम कोई सी मैम आ जाए, कमलेश मैम को छोड़ के कोई सी भी मैडम आ जाए बाहर से या स्कूल वाली मैम, कोई भी कोई नहीं मारेगा आपको। तो गाइस यहाँ पार सो चुका है और अच्छा ये सो गया थोड़ा टाइम से, सुबह जल्दी उठा था। तो गाइस यहाँ मेरे ना कपड़े लपेटने वाले रखे हुए हैं और घर का काम पड़ा हुआ है। तो गाइस पार सो के उठ चुका है और उठते सर इसने अपनी शरारतें शुरू कर दी है, मैं कब से आधा घंटा हो गया इसको नहला के आई हूँ, उसके कपड़े पहनाने हैं मैंने और ये अपने पीछे भगाया जा रहा है भगाया जा रहा है। तो गाइस बच्चे हो गए रेडी नायरा और पार्थ, अब इनको फ्रूट देती हूँ काट के, इसके पापा लेके आए थे फ्रूट, अमरूद अंगूर और आम, दो तीन फ्रूट लेके आए थे, संतरे और केले मैंने लिए थे बच्चों के लिए, तो अमरूद के लिए बोल रही नायरा इसको क्योंकि अमरूद पसंद है, तो बच्चों के लिए अमरूद दे जाती हूँ अंदर, और दोनों फ्री हो चुके हैं तैयार तुर हो गए हैं, इनको बैठा के आराम से इनको अमरूद काट के खिलाती हूँ अपने सामने ताकि फ्रूट खाएं, अगर ऐसे दे दूंगी काट के तो पार्थ तो हवा में उड़ा देगा
और मिलेगा ही मेरे को कि अमरूद कहाँ चला गया है। तो गाइज इनको अमरूद काट के देते हैं और ये खाते हैं। हाँ जी ये देखो पीछे पीछे आ गया गाइज मेरे, ये देखो क्या चाहिए। तो गाइज पार्थ को मैंने निक्कर पहनाई है कि गर्मी आ गई है, इसको गर्मी लग रही है सुबह से बता दे। ये देखो फोन छोड़ दे भाई, फोन छोड़ दे इसको। गाइज अप्रैल में स्कूल भेजूंगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एडमिशन करवाऊंगी। पापा और मेरी इसकी बात हो गई है, इसको भेजती हूँ स्कूल में। घर बैठे बैठे ना ये फोन में पोएम, टीवी में पोएम, टैब में पोएम, हर जगह पोएम पोएम चल रही है इसकी। अब पोएम करके इतना परेशान करता है ये, बहुत पोएम देखने लग गया है, आंखों की बहुत जोर पड़ रहा है इसकी। हट बेटो पीछे हटो पीछे हटो, चलो गुआवा खाएंगे, गुआवा कट करें मम्मा। तो गाइस ये रहे मैंने अमरूद ले लिए, गुआवा ले लिए, अब इनको उई उदिक बच गया मेरे पैर पे लगता। तो गाइस ये पार्थ खोल के चला गया, मोटर का ढक्कन है, अभी मेरे पैर पे गिरता बहुत तेज, अभी चोट लग जाती मेरे पैर पैर के ऊपर। यहाँ से ये पूरा ढक्कन को हटा देता और ये खुल जाता है, इतना शरारती है ये। और गाइस इसका एडमिशन करवाएंगे अब, क्योंकि अब हम परेशान हो गए हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क है। देखते हैं पार्थ को भेजेंगे स्कूल, दिल पे पत्थर रखे गाइस, क्योंकि ये देखो नायरा अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि घर पे रह रखे नायरा बोर हो गई है, तो अपना ये मार्कर और ये उठा के अच्छा कलर्स अपने मार्कर से अपनी पढ़ाई करती रहती है, जैसे मन करता है। हाँ लिखो फिर गोट आनी है, काव आनी है। तो और गाइस यहाँ से खिड़की खोल देती हूँ, लेकिन बाहर गर्मी बहुत है नायरा। नहीं विंडो खोलूँ ना, खोलूँ गर्मी आएगी अंदर पूरी। गाइस ये विंडो खोलते हैं ना पूरी हीट आती है, देखो अंदर तो धूप आ रही है पूरी की पूरी। खोलूँ नहीं नानी, खोलूँ नायरा बता जल्दी, बंद करूँ खोलूँ? हाँ जी टू बंद कर दूँ। तब मैं सोचा खोल देती हूँ थोड़ी हवा से आएगी, लेकिन बाहर तो बहुत हीट हो रही है गाइस। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं जून जुलाई में क्या होगा। उधर उधर पीछे आओ, पीछे जाओ। तो गाइस इनको कट करके खिलाती हूँ बच्चों को। हाँ चलो पहले खा लो, पहले फ्रूट खा लो। नो नो ऐसे नहीं, ऐसे नाइफ से काटूंगे, नाइफ से फिर वेस्ट करोगे। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे पाथू पीछे। हाँ टू वन टू, पहले टू खा लोगे फिर और दे दूंगी। पीछे जाओ पाथू पीछे हो नो ना। हाँ दे रही हूँ, कट कर रही हूँ भाई के पीछे करो पहले। पार्ट पीछे हो बेटा, छोटी छोटी टांगे टांगे भाई की हाइट छोटी है ना। हाँ जी पीछे हो जा पार्थ यार, वन टू चल पीछे हो जाओ पीछे जाओ। क्या बोल रही ना, मैं क्या आई हूँ जिस पर टैन आएगा बड़े वाले पे वो मैं खाऊंगी, पार्ट पे आएगा तो पार्ट ये खाएगा ठीक है। मतलब तू कहना ये चाह रही कि बड़ा वाला अमरूद तू खाएगी, बड़ा वाला तुझे खाना इसलिए बोल रही है। वन टू मैं क्या इसलिए अच्छा मुंह में मत डाल, मैं छील रही हूँ। हाँ छील रही हूँ। तो गाइस इनको ये गुआवा वगैरह खिला दो, फिर मिलते हैं आपसे। काउंटिंग चल रही है, 6 7 8 9 ऐसे नहीं करना था मेरे को। चल पहले खा ले इसके बाद करना, चल पहले खा लो फटाफट। तो गाइस दोपहर के बाद हो गई है शाम और पाथू सो के उठ गए, पाथू नायरा सो रहे थे, नायरा जस्ट अभी भी सो रही है। देखो नायरा जब से सोने लगी हुई है, शाम के 7 बज चुके हैं, उसको उठा रही हूँ, उठ नहीं रही कब से। और मैं और पाथू घर पे बोर हो रहे हैं, है ना पाथू छोटी पाथू और मैं गाइस घर पे बोर हो रहे हैं, है ना पाथू। नायरा दीदी सो रही है, हम दोनों ने चाय वगैरह पी ली। अब मम्मा बाल छोड़ हाँ। तो गाइस मजा आ रहा है, हम लोग बोर हो रहे हैं, मजा भी क्या आ रहा है, बोर ही हो रहे हैं घर पे क्योंकि है नहीं कुछ करने के लिए। तो गाइस जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो आपको घर के व्लॉग दिखते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपको बाहर का व्लॉग दिखता है। तो जैसे जो जो हम लोग करते हैं वैसे वैसे हम व्लॉग बनाते हैं, वैसे वैसे आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब हम लोग घर पे रहते हैं तो आप उस व्लॉग को भी इंजॉय किया करें, क्योंकि हर रोज हर कोई कहीं घूमने के लिए या कहीं खाने के लिए या कहीं शॉपिंग के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, आप भी मिडिल क्लास के, जो भी मुझे देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे इस चीज से कि हर रोज सेम डे नहीं रहता, मतलब हर दिन सेम नहीं रहता, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। तो मतलब अगर डेली रूटीन दिखा रहे हैं तो डेली मतलब घर पे ही है तो वो डेली चीज दिखती है, उसमें वैरायटी मिल जाती है, लेकिन जो घर में होता है वो चीज आपको दिखाते हैं। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो दिखाते हैं नो। तो गाइस सपोर्ट किया करें हमें और हमारे जो हमारे डेली व्लॉग्स हैं उनको पसंद किया करें आप लोग, क्योंकि आपको पता है बच्चे अभी छोटे हैं दोनों नायरा और पार्थ, और घर में अकेले मैं और बच्चे होते हैं घर पे और आरजे रहते हैं अपने काम पर। तो जब भी उनको वक्त मिलता है हमें घुमाने का, हमें कहीं ले जाने का, तो वो जरूर लेके जाते हैं हमें और कभी मौका नहीं छोड़ते, जितना उनसे होता है उतना करते हैं बच्चों के लिए। तो गाइस जैसे हम लोग करते हैं, जहां हम लोग करते हैं, जहां जाना है
कहीं घूमना है, कुछ खाना है, और या फिर हमने घर पे ही रहना है। मतलब पूरा दिन तो हम लोग घर के ब्लॉग को शूट करते हैं, और ये चैलेंज वगैरह करने के बाद, जैसे बाकी जितना यूट्यूबर करते चैलेंज वगैरह करते हैं, और 24 आवर्स चैलेंज है या कोई और चैलेंज वगैरह है, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी रहती है। मतलब इसके पापा नहीं होते तो मैं अकेली कितना चैलेंज कर लूंगी। अपने डेली रूटीन दिखा रहे हैं, डेली चीजें दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या क्या करते हैं, ताकि आप लोग भी अपनी जिंदगी से उसको रिलेट कर सके। आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग न कर रहे हैं अपने साथ या हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अगर आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, वो चीज देखकर हंसी आती है, तो उसका मतलब कि हमारे ब्लॉग बनाना हमें हमारा सफल रहेगा। मतलब तो आप लोग गाइज हमारे ब्लॉग को पसंद क्या करें, और जो भी होगा आपके सामने होता है गाइज, हर रोज सेम नहीं हो सकता किसी की जिंदगी में भी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एल्विश यादव अपनी जेल से, जो उसको फंसाया गया था बहुत बुरी तरीके से, वो वापस घर आ चुका है। तो गाइज नहरस होके उठ चुकी है, और देखो, और ये घर पे बोर हो जाती है, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बच्चों का शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ, सोने का, उठने का, हर चीज का। अब स्कूल स्टार्ट होंगे तब थोड़ा मतलब मन लगेगा, बच्चों का भी, मेरा ही मन लगेगा गाइज। तो यहाँ पर नहरस होके उठ गई है, अब उसको दूध चाहे कुछ पूछते हैं, कुछ देते हैं गाइज। आरती ने तो पी ली है, मैंने भी पी ली है। हाँ जी, आम खाना है, आम काट देती हूँ। चाय नहीं पीनी, चाय दूध नहीं पीना कुछ, पहले आम खाना है। टॉर्च तो बंद कर दो। फ्लैश लाइट है ये, टॉर्च। आम खाना है, दूध नहीं पीना पहले, कल दूध पी लो। चलो ठीक है, दूध वो आम दे रही हूँ काट के। तो गाइज इसको आम काट के दे दूँ, फिर मिलते हैं आपसे गाइज, जैसा भी होता है आपसे शेयर करते हैं। तो गाइज नायरा को आम काट के दे दिया है, और देखो गर्मियों का फल, फलों का राजा, नायरा इसको बोलते फलों का राजा आम को, पता तेरे को नहीं पता? जो मैंगो होता है ना, जो आम होता है, सारे जितने सारे फ्रूट्स होते हैं ना, सब में इसको बोलते फलों का राजा, मीन सबसे टेस्टी होता है ना ये, सबसे टेस्टी और सबसे सुंदर भी होता है देखने में, तो इसको क्या बोलते हैं, फलों का राजा आम को। ठीक है, तो नायरा को गाइज आम बड़ा पसंद है। देखो नायरा ने कल पापा जी से मंगाया कि पापा आम खाऊंगा मैं, है ना नायरा? तो नायरा का फेवरेट फ्रूट आ गया है। नायरा की सेल्फी ले लो ऐसे, तेरी नायरा ईटिंग अ मैंगो, डिलीशियस मैंगो, तो खा लो बेटा खा ले। तो नायरा देखो, तो गाइज नायरा मैंगो खा रही है, और ये देखो ये मेरा डमरू आ गया लेने के लिए, और हालांकि इसने चाय वगैरह पी चुकी है मेरे साथ, बिस्किट नमकीन जो चीज खानी है खा चुका है, बस कपड़े गंदे कर लेगा पार्थू, तो खाएगा जरूर लेकिन कपड़े गंदे कर लेगा। मम्मा जय जय करने जा रही है, इसने खाना भी अपने हाथ से होता है नायरा, फिर भी चलो खा लो फ्रूट, खा लो बेटा अच्छे होते फ्रूट खाने, खाओ खाओ खाओ। तो गाइस नायरा यहाँ पर खा रही है लॉलीपॉप, और ये चुपके से ले आई है रसोई से जाके, ये मैंने छुपा के रखी थी, कभी पार्थ इमरजेंसी में मांग लेता है तो मुझे तंग करता है, चुप एकदम से दुकान पे जाना पड़ता है। और पार्थ अभी जस्ट एक मिनट पहले, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई उस वक्त, ये पार्थ इतनी बुरी तरीके से घूर के देख रहा था नायरा को कि मतलब आप देखते तो आपको हंसी आ जाती है। और तो नायरा दीदी क्या खा रही है देखना गाइस, अभी देखना ये किस लिए क्या है मेरे पास, सारा दिन किस करता है गाल पे सारा दिन, बस चुप चुप चुप। अच्छा नर दीदी क्या खा रही है, लॉलीपॉप खाने, लॉलीपॉप नर दीदी वाली, नर दीदी क्या खा रही है देखो, पता नर दीदी क्या खा रही है, पता नर दीदी क्या खा रही है देखना गाइस, अभी देखना पता नर दीदी क्या खा रही है, देखियो देखी नहीं ये देख, हेलो करो, हेलो करो, हेलो गाइस करो, करो हेलो गाइस, हेलो गाइस करो, ऐसे करो फोन काट देगा फिर तू। वो तो नायरा दीदी का खा रही है, वो तो नायरा लॉलीपॉप खा रही है, नायरा लॉलीपॉप दे दे इसको, नायरा ये लॉलीपॉप दियो, डुंगु 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 डुंगु, हेलो आप सब पे बोलेगा थोड़ा, आपसे कल बोलेंगे सब, आज वीडियो बनेगी कल अपलोड होगी, कल सब देखेंगे पाथू को, फिर कल से बोलेंगे हेलो गाइस, हेलो पाथू गाइस, इसको आप सबसे हेलो करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कल इसको पार्थ को हेलो बोलना, ठीक है पाथू, सर हेलो बोलेंगे आपको कल, सुबह अपलोड होगी ना तो सुबह बोलेंगे आपको हेलो, देखो देखो गाइस ये शरारते देखो, और तू नहर दीदी लॉलीपॉप खा रही पाथू, और तू नहर दीदी लॉलीपॉप खा रही थी, नहर उसको लॉलीपॉप ले ले, ये देखो गाइस कितना बेकरार हो रहा है, और सबसे ज्यादा चीज इसको मिलती है खाने के लिए, क्योंकि छोटा है ये, नायरा को कम मिलती है फिर चिप्स वगैरह, क्योंकि छोड़ता नहीं है ना ये, जिद कर लेता है, और मांग रहा था को मैंने कहा था ना कि रसोई में खा के आ जा रहा है, ये भी यहाँ पर ले आइएगा।
तो गाइज आरजे आ चुके हैं अपने काम से, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि गर्मी आ गई है, तो वो अपने अपने वस्त्र में आ जाते हैं, बनियान वगैरह में, तो वो शर्माते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं लेती रात को उनको, सुबह सुबह ले लेती हूँ जब वो सामने होते हैं। तो गाइस सबका डिनर हो चुका है और मैंने अपने लिए फ्राई किए हैं चावल, और ये चावल है रेड चावल, मैं इन चावलों को रेड चावल बोलती हूँ। तो गाइस ये रहे मेरे रेड चावल, ये देखो इसको मैं रेड चावल बोलती हूँ, और वो क्यों बोलती हूँ क्योंकि इसका कारण आप दीजिए कि मैं इसे रेड चावल क्यों बोलती हूँ। तो गाइस चलो मैं डिनर कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा आज का तो आप ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट देते रहिए गाइस, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।